मैं कुशाग भूरा और आप देख रहे हैं अभिषा ट्रैवल व्लॉग्स। आज हमारी ट्रेन है जोधपुर बंगलौर। अभी इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 अहमदाबाद पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वक्त बजे हैं 1:45 और ट्रेन आने का टाइम है 2 बजे दोपहर के। यहाँ सामने खड़ी है वडोदरा इंटरसिटी। आ गई जोधपुर बंगलौर एक्सप्रेस। शायद यहाँ का धोबी घाट है, पता नहीं चल रहा है। कुछ तो है भाई, देखिए कितने सारे कपड़े ऐसे दिख रहे हैं। ये है यहाँ का कार पार्क, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वगैरह यहाँ पार्क किए जाते हैं। ये ठीक मडगांव रेलवे स्टेशन के बाहर है। आपको इस बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। एक और नमूना, सूरज ठीक मेरे पीछे है और मेरी परछाई देखिए। और क्या वजह है इस वक्त? हमारे देश का यही एक बात है कि वह काफ़ी लंबा चौड़ा देश है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बहुत लंबा चौड़ा। अब वक्त को अपना आप हमारे ऊपर थोपने की बजाय अगर हम अपने आप को वक्त के ऊपर थोप सकें तो लोकल टाइम को हमें अहमियत देनी ही होगी। अब ये कैसे करें? हमारे केंद्रीय नेतागिरी जो है वो इसे बखूबी कर सकती है, उन्हें थोड़ा सोचना होगा जी। चलिए, मैं तो एक अदना सा यूट्यूबर हूँ, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, जो था बोल दिया। ये हैं गोवा के समोसे और मैं बैठा हूँ मडगांव रेलवे स्टेशन के इस खाने पीने के स्टॉल पर। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 मडगांव। देख रहे हैं कितनी हरियाली है, केले, खासकर केले। और हम उतर रहे हैं FOB फुट ओवर ब्रिज 4 नंबर की ओर। देखते जाइए 4 नंबर की ओर। यहाँ से 90 डिग्री का एक टर्न लेकर के हम लोग 4 नंबर पर जाएंगे। तो ये रहे हमारे 4 प्लेटफॉर्म गोवा के।
मैं गोवा तो नहीं कहूँगा, मड़गांव के 1, 2, 3, 4 जी नहीं, यहाँ सिर्फ 5 ही, 4 ही नहीं, प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5 और 6 तक है। चलिए ढूंढ लेते हैं बाकी के 2 और प्लेटफॉर्म कौन से हैं। आप अगर यहाँ से कुछ समझ पाएँ तो समझ लीजिए, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि 4, 5, 6 चार नंबर तो ठीक है मिल गया, मगर 5 और 6 कहाँ हैं। अब एफ ओ बी उतरते ही सामने ऑटो रिक्शा स्टैंड, यहाँ तो मोटरसाइकिल का भी टैक्सी जैसा कलर दिख रहा है, यानी कि आप इसे हायर कर सकते हैं। ये देखकर मुझे अफ्रीका की बोड़ा बोड़ा यानी बॉर्डर टू बॉर्डर मोटरसाइकिल याद आती है, जहां आप उसे हायर कर सकते हैं। तो यहां से आप मड़गांव के मुख्य बस स्टैंड वगैरह की ओर जा सकते हैं, मेन शहर इसी तरफ है जहां ये एरो दिखा रहा है। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ है। सामने तो 3 नंबर तक के प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं। आप इसे मड़गांव रेलवे स्टेशन की भूल भुलैया कह सकते हैं। आप देख लीजिए हमारे सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3। 4 और 5 के लिए जब मैंने ये ब्रिज क्रॉस किया तो मैं पहुंचा 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अरे भाई साहब, तो बाकी के 2 कहाँ गए 4 और 5? तो वो हैं यहाँ पर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बीच में है, यानी कि आपको ट्रैक क्रॉस करके आना या जाना पड़ेगा। यहाँ सेफ्टी का मामला नहीं उठता क्या? रेलवे इस बारे में क्या कहना चाहेगी? ठीक है, यहाँ ट्रैफिक कुछ कम है तो हम थोड़ा सा रिस्क ट्रैक क्रॉस करने का ले सकते हैं, मगर रेलवे के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। उन्हें एटलीस्ट इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। देख लीजिए, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5। देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है? हाँ, यही लिखा हुआ है। इस वक्त गोवा में बजे हैं 12:30। नहीं, गोवा में नहीं, सिर्फ हमारे पूरे भारतवर्ष में इस वक्त 12:30 बजे हैं 2:00 के, मगर गोवा में देखिए किस तरह का माहौल दिख रहा है। ये है मेरा साया, देख रहे हैं किस तरह का दिख रहा है। इसका अर्थ ये है कि अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं, एकदम से मेरे सर के ऊपर सूरज के आने का। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे यहाँ जो समय की सिस्टम है वो भारतवर्ष की है, जो कि 82.30 डिग्री। यहाँ ये इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर वगैरह वगैरह यानी सेंट्रल इंडिया से गुजरती है, लेकिन गोवा पश्चिम भारत में है। आप अगर नक्शा देखेंगे तो गोवा की पोजीशन आपको दिख जाएगी। अब पश्चिम भारत में जैसे हमारे कच्छ में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ भी कुछ न कुछ, चलिए मान लेते हैं 45 मिनट का तो फर्क होगा ही। ये वक्त का जो फेर है
ये फिर ही सारे घटनाक्रम के पीछे है। हमारे केंद्रीय जो सोचने वाले लोग हैं इन सारी बातों के ऊपर, जो जो लोग कुछ भी सोचते हैं उन्हें अब सोचने की घड़ी आ चुकी है कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के फर्क को किस तरह से मैच किया जाए। खैर इस वक्त तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग समझदार हैं। चलिए